हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, एनबीएस का एक डाउट बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा था अब तक। 2019 से ये डाउट निकल कर आ रहा था कि क्या एनबीएस कभी वेटिंग लिस्ट जारी करता है, और यदि वेटिंग लिस्ट जारी करता है या नहीं करता है तो क्या बिना वेटिंग लिस्ट जारी किए हमें कॉल लेटर प्राप्त होगा, हमारी ईमेल पर कुछ मैसेज आएंगे, या हमें किस तरीके से नोटिफाई किया जाएगा, क्योंकि एनबीएस ने ये कहीं पर भी नहीं देखा है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी या नहीं होगी, और अगर वो करता भी है तो किस तरीके से हमें उसकी जानकारी मिलेगी, पूरा कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लिएगा इस तरह की मोर अपडेट्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनवीएस एग्जाम वेटिंग लिस्ट को लेकर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये रहेगा हमारा डाउट कि एनवीएस क्या एनवीएस वेटिंग लिस्ट जारी करता है, क्या एनवीएस ऑफिशियली तरीके से वेटिंग लिस्ट जारी करता है, कहीं पर इसके बारे में जानकारी देता है, कहीं पर पीडीएफ के थ्रू इसके माध्यम से होता है, कहीं पर नोटिस डालता है, तो इसका जवाब रहेगा नहीं। एनबीएस अभी पूरा सुन के जाना, चले मत जाना, एनबीएस किसी भी तरीके की यहां पर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है। बट ये सच नहीं है, एक्चुअल में एनबीएस वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है, बट जो एनबीएस की वेटिंग लिस्ट है उसको वो क्लियर जरूर करता है। कैसे क्लियर करता है चलिए मैं दिखा देता हूँ। वो ऑफिशियली कहीं नहीं बताएगा आपको कि इतने बंदे हमने वेटिंग लिस्ट में लिए हैं या ये इतने लोगों को हमने वेटिंग लिस्ट में रखा है, कहीं पर भी नहीं बताएगा, ओके। बट वो वेटिंग लिस्ट क्लियर करता है, ठीक है। तो एनबीएस वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है, लेकिन एनबीएस जो है वो आपकी जो वेटिंग लिस्ट होती है उसको क्लियर करता है, ठीक है। अब वो उसका क्राइटेरिया यही होगा कि कौन सा इसके बाद वाला कैंडिडेट है जिसको हम चूज करें। अगर कोई बंदा छोड़ के चला जाता है, या मान के चलिए 500 लोगों यहाँ पर भर्ती किए गए उसमें से केवल 400 ही आए, तो 100 की जगह खाली बच गई यहाँ पर, तो वो क्या करता है, अगले वाले जो 100 बंदे थे, जो 100 बंदे नहीं आए उनकी जगह जो 100 बंदे हाईएस्ट मार्क वाले थे, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था, उनको वो यहाँ पर इन्फॉर्म करके और ज्वाइनिंग के लिए वो ज्वाइनिंग लेटर जारी करता है। अब किस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर जारी करता है, गुड न्यूज है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर जारी होना शुरू हुआ है। एक नहीं दो दो प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये पूरा नोटिस है जो कि एनबीएस के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एनबीएस की फाइल वगैरह, 7 जून का ये नोटिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एनबीएस आरओ का, ये भोपाल का है, ठीक है। आरओ यहाँ पर देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति और ये शिक्षा मंत्रालय विभाग है, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, ठीक है, आपको नीचे दिख रहा होगा क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इनका नाम हाइड कर दिया है, और इनकी जो यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही है, ठीक है। तो एनबीएस की इनके द्वारा वेटिंग क्लियर की गई थी, ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। एनबीएस की इनके द्वारा एनबीएस के द्वारा इनकी वेटिंग क्लियर की गई थी, और इनको अपॉइंटमेंट के लिए वहां पर इनके ईमेल, जो ईमेल जो ये मैसेजेस आया है, ये पूरी एक पीडीएफ है जो कि इनके ईमेल पर आई हुई थी, इन्होंने जो ईमेल जो फॉर्म भरते समय दिया था उस पर। तो ईमेल आपको हमेशा चालू रखना है आपका, अगर आप 2022 वाले कैंडिडेट हो, ये 2022 की भर्ती का है, आप यहां से देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये ऊपर आपको दिख रहा हूं 2022, ठीक है। 2022 में जो भर्ती थी उसका ये पूरा यहां पर डिटेल है। 2022 के अगर आप कैंडिडेट हैं तो अपना ईमेल चेक कर देगा, हो सकता है आपको भी यहां पर वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाए, और आपको इस तरीके की ईमेल आए और आपको बोला जाए कि आपका जो सिलेक्शन है वो इस नवोदय विद्यालय में गया, जाके ज्वाइन कीजिए, और आपको एक मंथ का समय यहां पर दिया जाता है, ठीक है। ये जो कैंडिडेट हैं इनको कुछ इशू था कि मुझे एक महीने के अंदर ज्वाइन नहीं करनी है, ये वहां पर गए भी थे, पर प्रिंसिपल ने बोला कि आप जाइए, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप एक्सटेंशन भी आवेदन करिए। फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि किस तरीके से एक्सटेंशन लेते हैं, मैंने भी लिया था, तो फिर मैंने इनकी हेल्प की थी। अब इसी के अलावा मेरे पास एक कमेंट और आया, इनके अलावा एक कमेंट दूसरा आता है जो कि हाल ही के दिनों में कमेंट मेरे को देखने को मिला, 2 दिन पहले ही, मेरी एक वीडियो थी एनवीएस की उसके नीचे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कमेंट दिख रहा हूँ कि भाई आज मेरा एनवीएस जैसे 2021-22 का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया, आज मेल आया उनका, दैट्स इंप्रेसिव कि एनबीएस वेटिंग क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मैसेज है, आप देख सकते हैं कि एनबीएस क्या करता है, मेल करता है। अगर एनबीएस किसी भी तरीके की वेटिंग क्लियर करता है, वो कहीं भी ऑफिशियल नहीं देगा कितने लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा है, वो उसको जब वेटिंग क्लियर करना होगी, अगर आपके मार्क्स जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट उसके आसपास है, एक नंबर, आधा नंबर, दो नंबर तक रहे, तो वो आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के थ्रू ईमेल करेगा। आने वाले देखिए 2022 की जो ज्वाइनिंग है वो लगभग मार्च अप्रैल में हो चुकी थी, ठीक है, लास्ट ईयर ही हो चुकी थी लगभग, है ना। तो 2023 में लास्ट ईयर ही हो चुकी थी इसकी ज्वाइनिंग, तो अभी देखिए वो लगभग 1 साल बाद वो क्या कर रहा है, मेल कर रहा है कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो जो क्या होता है कि बहुत सारे उन्होंने डाटा लिया होगा कि 1 साल के अंदर अंदर इतने लोग ज्वाइन कर लिए और इतने लोगों ने छोड़ दिया या इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उसने डाटा निकाला और देखा कि ये लोग, अब हमें तो पोस्ट भरनी है उनके पास, तो भाई लड़के नहीं है काम करने के लिए, उनको तो चाहिए, है ना, जो कर्मचारी उनको चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट क्लियर करेंगे। वो कहीं पर ऑफिशियली नहीं करते, बट उनके पास जो डाटा है वो इंटरनली उसको जारी करते हैं, और इस तरीके से उनके ऊपर वो मेल भेजते हैं और उसमें सूचना देते हैं कि आपको इस तारीख तक इस नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको जाकर वहां पर अपना जो ज्वाइनिंग है वो कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ थी जो कि मुझे लगता था कि आपको बतानी चाहिए। आप लोग काफी पूछते थे कि क्या एनबीएस में वेटिंग लिस्ट होती है, क्या वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है, अगर होती है तो किस तरीके से होती है, तो आपको पता चल गया ईमेल यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा। अगर ईमेल एड्रेस आपने सही रहा और डेली आप उसका यूज करते हैं, डेली उसको चेक करते हैं, तो चेक करते रहिएगा, नहीं करते तो आपके ईमेल पर वो मेल आता रहेगा। तो ईमेल ढंग से चेक करिएगा, अगर आप 2024 का फॉर्म है, अगर आपके मार्क्स
बाउंड्री पर है, लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से, तो आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, भले इसमें थोड़ा टाइम लग जाए पर सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इसके अलावा क्या टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, जय हिंद, जय भारत।